ये उसी टाइम का है जब गाना शूट हुआ था ना दोस्तों। इस जगह पे फूल से दिल के अंदर शंकर और सोनिया लिखा रहता है। इस जगह से जो हीरोइन होती है वो उतर के आती है, और जो ऋषि कपूर जी होते हैं वो इस जगह पे रहते हैं जहाँ पे मिथुन चक्रवर्ती आते हैं बाहर। दोस्तों आज की वीडियो बेहद ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज के वीडियो के अंदर हम पहुँचे हैं दिल्ली के लोधी गार्डन में। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये गार्डन है। आज से लगभग 20 साल पहले ये और भी ज़्यादा खूबसूरत था, क्योंकि अभी क्या है इसमें जो पेड़ हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, लेकिन पहले क्या था यहाँ पे जो पेड़ थे वो ज़्यादा बड़े नहीं थे और फूल जो थे बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में थे। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाएंगे मिथुन और नीलम कोठारी का एक गाना था, नयो जीना तेरे बिना, ऐसे गाने के बोल हैं। और ये फिल्म है जो मुजरिम, ये 1989 में आई थी मिथुन चक्रवर्ती की, उस टाइम की काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट फिल्म रही थी ये। और उसका जो ये गाना है जो मैंने बोल बताया गाने के, वो गाना ये लोधी गार्डन में शूट हुआ है। वैसे अगर देखा जाए मेरे हिसाब से इस गार्डन के अंदर लगभग 10-15 फिल्में शूट हुई, जिसमें से द बर्निंग ट्रेन हो गई, फना हो गई, और अब लौट चले, और उसके साथ में एक कसक मूवी है। तो जितने भी मूवी मैंने बताए हैं उनके सारे मूवियों के जो सीन हैं वो इसी जगह से लिए गए हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जितना भी हो सकेगा इन सभी मूवियों की स्क्रीनशॉट के माध्यम से लोकेशन कवर करके आपको दिखाएंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके आल पे क्लिक कर लीजिएगा। उससे पहले मैं दोस्तों आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, हमारे सामने अगर आप देख रहे होंगे इस साइड में बहुत ज़्यादा भीड़ जैसी आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे क्या है, अभी एक एड की शूटिंग हो रही है, बहुत सारे एक्टर और डायरेक्टर लोग आए हुए हैं। तो चलिए अभी मैं चलता हूँ सीधे, आपको पूरा गार्डन अच्छे से विजिट करके दिखाता हूँ बढ़िया से, और फिर दिखाता हूँ सीन। तो दोस्तों अभी मैं ना इस रास्ते से आया था, बहुत तेज प्यास लगी हुई थी तो पानी पिया, फिर इस रास्ते से गुजर रहा था तो मेरे को एक सीन दिखाई दिया, बताता हूँ आपको। कसक फिल्म के अंदर जो ऋषि कपूर होते हैं ना, डांस करते रहते हैं ना, तो ये गुंबद आता है, देखो ये यहाँ पे बना रखा है एक गमले के टाइप में। देखो ये उसी टाइम का है जब गाना शूट हुआ था ना दोस्तों, तब भी ऐसा ही था और आज भी ऐसा ही है। देखो यहाँ पे जो फूल है ये भी गाने के अंदर दिखाई देते हैं, स्क्रीनशॉट में आप देख लेना, ये सारे फूल दिखाई देते हैं उसमें, ये उसी टाइम का है। और पीछे की साइड क्या होता है, पेड़ जो हैं अभी क्या है बहुत बड़े बड़े से हो गए, लेकिन जब यहाँ पे गाना शूट हुआ था जो पेड़ थे वो काफ़ी छोटे थे। और तो आप स्क्रीनशॉट में मैच करके देख सकते हैं, इसी का सीन लिया जाता है और काफ़ी सारे सीन पीछे के लिए जाते हैं जो ये गुंबद बने हुए हैं उनका। तो चलो वहाँ दिखाते हैं। देखो दोस्तों ये गार्डन है कितना ज़्यादा खूबसूरत है, और यहाँ पे ना कपल्स लोग बहुत ही भारी मात्रा में आते हैं। एक ये गुंबद इधर बना हुआ है दोस्तों, लोधी गार्डन है। इसके इतिहास के बारे में अगर हम बात करें तो जो लोधी वंश के लोग थे उनकी इन गुंबदों के अंदर ना कब्र बनी हुई है, तो जब अंग्रेजी शासन था तब की, लेकिन अभी क्या है फिर सरकार जब आज़ाद हो गया देश उसके बाद में इसका जो नाम है लोधी गार्डन रख दिया गया। और भी बहुत लंबा इसका इतिहास है, वो आप गूगल करके देख सकते हैं। दोस्तों देखो इस साइड एक गुंबद है, ये भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, और एक साइड ये देखो इस साइड भी एक गुंबद है। तो जितने भी गाने हैं सारे के सारे इसी जगह, इतने एरिया में ज़्यादातर शूट हुए हैं, यहाँ से लेके ये जो पूरा एरिया है ना इसी में सबसे ज़्यादा गाने शूट हुए हैं। तो मैं बताता हूँ आपको, जो मुजरिम फिल्म का गाना है वो कुछ इस प्रकार शूट होता है। ये गुंबद जो आप पूरा देख रहे हैं ना कुछ इस प्रकार दिखाया जाता है, जहाँ पे मिथुन चक्रवर्ती आते हैं बाहर, तो फिर उस जगह वो जो जगह देख रहे हैं ना वहाँ पे खड़े रहते हैं। तो इस गुंबद का ना पूरा सीन दिखाया देता है, आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं अच्छे से मैच करके, तो इसी जगह का सीन रहता है। और इस जगह पे जो कि कसक फिल्म है उसका गाना शूट होता है। इस जगह पे क्या होता है, इस जगह से जो हीरोइन होती है वो उतर के आती हैं, और जो ऋषि कपूर जी होते हैं वो इस जगह पे रहते हैं, जो ये जगह देख रहे हैं ना इस जगह पे होते हैं, ये यूं यूं करके इसको ऐसे ऐसे बजाते रहते हैं इन सीढ़ियों को। तो मैं थोड़ा दूर से आपको दिखाता हूँ अच्छे से तो आप समझ जाएंगे। देखिए तो अभी हमने स्क्रीनशॉट लगा दिया है और आप ये वीडियो जो चल रही है उसमें देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का सीन होता है जहाँ पर ऋषि कपूर इन सीढ़ियों को बजाते रहते हैं और जो हीरोइन है नीलम कोठारी वो ऊपर से आती रहती है। तो इसी जगह का सीन होता है, आप स्क्रीनशॉट में प्रॉपर अच्छे से मैच करके देख सकते हैं। और इसी जगह पे जो फना है उसके भी बहुत सारे
सीन जो है अंदर भी लिए गए, ऊपर के साइड भी लिए गए, इन सीढ़ियों के काफ़ी ज़्यादा सीन लिए गए हैं। और फिर मैं बताता हूँ जब मुजरिम फिल्म का गाना चलता है तो उसमें के सीन दिखाता हूँ आपको। इधर से ले जाते हैं, ये जो रास्ता देख रहे हैं, यहाँ पे एक और फिल्म है नीला आकाश, उसका भी जो गाना है यहीं पे शूट हुआ था। और जिस गाने की हम बात कर रहे हैं मुजरिम फिल्म का, उसके भी सीन यहाँ पे लिखा होता है। जो मुजरिम फिल्म के अंदर मिथुन चक्रवर्ती का नाम होता है वो शंकर होता है, और जो हीरोइन होती है उनका नाम होता है सोनिया। तो इस जगह पर फूल से दिल के अंदर शंकर और सोनिया लिखा रहता है। तो इस जगह पर डांस करते रहते हैं दोनों लोग। देखो स्क्रीनशॉट में आप प्रॉपर अच्छे से मैच करके देख सकते हो। और ये पीछे का गुंबद है उसका सीन दिखाया जाता है, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और फना जो फिल्म है उसका भी गाना यहीं पे शूट हुआ है, फना सॉन्ग। और ये जो गुंबद आप सामने देख रहे हैं ना, यहाँ पर कई सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है, जिसमें से मैं बताता हूँ कुछ इस प्रकार से सीन ले आता है मुजरिम फिल्म के अंदर। देखो जो ये दो बोर्ड देख रहे हैं ना आप, ये वाले ये दिखाई देते हैं जब मिशन चक्रवर्ती इधर से आते हैं, तो इधर का सीन दिखाया जाता है जब ये गुंबद पूरा का पूरा दिखाया जाता है। आप स्क्रीनशॉट में प्रॉपर अच्छे से मैच करके देख सकते हैं, मैं एक ही वीडियो के अंदर सारी लोकेशन को कवर कर रहा हूँ, देख सकते हैं। और उसके बाद में जो कसक फिल्म है ऋषि कपूर की, उसका भी गाना इधर से ही शूट होता है, वो मैं दिखाता हूँ आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से। तो यहाँ पे क्या होता है, ऋषि कपूर रहते हैं और यहाँ पे जो हीरोइन रहती है वो रहती हैं, तो इधर से दिखाया जाता है। तो पीछे का जो ये सीन है ना पूरा का पूरा दिखाया जाता है, आप स्क्रीनशॉट में प्रॉपर अच्छे से मैच करके देख सकते हैं। अभी मैं अंदर भी चलूँगा इन गुंबद के, फिर वहाँ से आपको दिखाऊँगा। और जो मुजरिम फिल्म के अंदर जब सॉन्ग चलता है तब वो मिथुन चक्रवर्ती होते हैं ना इधर इशारा करते हैं हीरोइन को जाने के लिए इसके अंदर, तो वो सीन यहाँ पे फिल्माया जाता है, आप स्क्रीनशॉट में प्रॉपर अच्छे से मैच करके देख सकते हैं। और जो अक्षय खन्ना की फिल्म होती है आप लौट चले, उसके जो सीन होते हैं वो उस जगह पे फिल्माए जाते हैं। वहाँ पर उस सीन कुछ ऐसा दिखाया जाता है फिल्म के अंदर कि जो अक्षय खन्ना का दोस्त होता है वो बाहर से आता है, तो पैसे और डॉलर के बीच में बात होती है, कहते हैं कि तू यहाँ 6,000-7,000 रुपये कमाता है, इतना तो मेरा पॉकेट मनी है, मैं वहाँ डॉलर कमाता हूँ, ऐसे बताते हैं। और बोलते हैं मैंने अपना नाम वहाँ चेंज कर लिया और मेरा नाम ये नहीं ये है, ऐसे करके बोलते हैं। तो वो सारे के सारे सीन ना इस जगह पर फिल्माए जाते हैं जिसमें इन तीनों गुंबदों का सीन आता है। अभी मैं उधर से चलूँगा आपको दिखाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से मैच करके देख चुके होंगे। ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन ये पहले जो पार्क था, जो ये गार्डन था, किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हुआ करता था, लेकिन अभी क्या है इसके अंदर जो ये फूल देख रहे हैं ना बहुत कम मात्रा में, नहीं तो पहले क्या था, आज से 20 से 25 साल पहले यहाँ पे इतने ज़्यादा भारी मात्रा में फूल थे कि पूरा फूलों की वजह से ये जो गार्डन है पूरा का पूरा खुशबू एकदम खुशबूदार रहता था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत महक यहाँ खुशबू की आया करती थी। लेकिन अभी क्या है बहुत ज़्यादा पब्लिक हो गई है और बहुत पब्लिक आती भी है, उतना ज़्यादा शायद देख रेख नहीं हो पाता है, जिस वजह से यहाँ पे जो फूल है वो बहुत कम मात्रा में आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो अभी तो कैमरे में आ नहीं रहा है, मैं पीछे से आपको दिखाऊँगा कि वो लोग कहाँ पे बैठ के टेबल डाले रहते हैं। कुछ रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है आ अब लौट चले फिल्म के अंदर, जहाँ पर रेस्टोरेंट में अक्षय खन्ना और उनके दोस्त आते हैं नाश्ता वास्ता करने के लिए, ऐसा कुछ सीन फिल्म के अंदर होता है, फिर वो बात करते हैं। तो फिर इसी जगह क्या होता है, फिर उसके बाद अक्षय खन्ना को जब वो पूरी बात बताते हैं डॉलर के बारे में, तो फिर वो अपने घर में जिद करते हैं कि मुझे भी आउट ऑफ कंट्री मतलब बाहर विदेश जाना है, ऐसा कुछ सीन होता है। देखो